नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी बातें जो कि हमारे बच्चों की परवरिश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीन्स अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। अच्छी पेरेंटिंग जो है उनके कुछ नियम होते हैं, तो वो क्या है नियम, आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं बात इस बारे में करूँगी कि हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को केवल नसीहत देकर यानी कि समझाकर उनमें अच्छी आदतें डालें, बट ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उनमें अच्छी आदतें तभी बनेंगी अगर हम उनको ऐसा माहौल देंगे जिसमें कि हम खुद कुछ अच्छा कर रहे होंगे। जो हमारी आदतें हैं उनसे ही हमारे बच्चे सीखते हैं। जब बच्चों ने बोलना भी नहीं सीखा होता तब वो समझना सीख चुके होते हैं। मीन्स जैसा माहौल उन्होंने बचपन में देखा होता है। जब भी हम फ्री होते हैं तब हम टीवी देखने बैठ जाते हैं या फिर हम अपनी कोई भी चीज़ सही जगह पर नहीं रखते। यही सब चीज़ें बच्चे जो हैं बचपन से देख रहे होते हैं और वही उनको सीख मिलती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी उन आदतों को बदलना है। यानी कि देर रात तक टीवी देखना बहुत ही गलत है बच्चों के सामने। ऐसे ही अपनी सभी चीज़ों को सही जगह पर रखने की आपको आदत डालनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। सेकंड थिंग है कि बच्चों के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही उनको दें। जैसे कि मोस्टली पेरेंट्स की ये थिंकिंग रहती है कि जो चीज़ हमें बचपन में नहीं मिली वो हम अपने बच्चों को ज़रूर दें। जी हाँ, बट उतनी ही मात्रा में दें जितनी कि उनको उसकी ज़रूरत है। अगर आप उनको उनकी ज़रूरत से ज़्यादा देंगे ना तो वो उसकी कद्र कर पाएंगे और ना ही ये उनके लिए अच्छा है। आप उनको उनके डिमांड के अकॉर्डिंग उतना ही दें जितना कि उनके लिए अच्छा हो। यही है आपका सच्चा और अच्छा प्यार और अच्छी परवरिश उनके लिए। आगे हम बात करेंगे, अगर आपके बच्चे किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हैं तो आप उन पर उल्टा चिल्लाएं नहीं। जी हाँ, आपको उन पर उल्टा नहीं चिल्लाना है। सबसे पहले तो अगर उनकी ज़िद से आपको गुस्सा आ रहा है तो 2 मिनट के लिए आप चुप हो जाएं या शांत हो जाएं और उसके बाद बच्चों को उल्टा चिल्लाकर नहीं बल्कि शांत मन से शांत तरीके से समझाना चाहिए कि आप जो मांग रहे हैं या आपकी जो ज़िद है वो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप उनको चिल्लाएंगे तो वो और ऊपर से चीखेंगे चिल्लाएंगे, जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ेगी कम नहीं होगी। तो आप खुद शांत होकर उनको शांत मन से समझाएं। नेक्स्ट है, बच्चों में छोटा छोटा अनुशासन ज़रूर डालें। यानी कि डिसिप्लिन जो है वो शुरू से ही बच्चों में ज़रूर डालें। जैसे वो जब बहुत ही छोटे हों तो आप उनको बोल सकते हैं जब भी उन्होंने टॉयज़ के साथ खेला हो कि उन टॉयज़ को वापस वो उनकी जगह पर रखें। ऐसे ही जैसे थोड़े और बड़े होते हैं, जब उन्होंने खाना खा लिया तो आप उनको बोल सकते हैं कि अपने बर्तन हैं जो वो किचन में रखें। ऐसे बहुत ही ज़्यादा आप छोटी छोटी चीज़ों से उनको अनुशासन सिखा सकते हैं, क्योंकि बिना अनुशासन के जो आपकी परवरिश है वो अधूरी ही मानी जाएगी। जब वो छोटी उम्र में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम बच्चों को ये बात नहीं बताएं या वो बात नहीं बताएं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि हमें बच्चों से हर बात खुलकर करनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की खुशी है, चाहे वो बहुत ही छोटी खुशी क्यों ना हो, किसी फ्रेंड से आपको कुछ अच्छा मैसेज मिला है वो भी आपको बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, और अगर आपको कोई तकलीफ़ है कोई पेन है वो भी आपको बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे कि बच्चों को हर अनुभव का पता हो कि अगर हम खुश हैं तो कैसा लगता है, अगर हम दुखी हैं तो कैसा लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों को टाइम देने की। जैसे आजकल हम देखते हैं कि मदर और फादर दोनों ही वर्किंग होते हैं तो वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो मेरी इस चीज़ में आपको एडवाइस यही रहेगी कि आपको अगर हो सके
तो कभी कभी अपने काम से छुट्टी लेकर अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट, जब भी आप शॉपिंग पे जा रहे हैं तो अपने बच्चों को अपने साथ ज़रूर लेके जाइए, चाहे आप किसी घर के सामान की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या अपनी पर्सनल शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। और आजकल क्या रहता है, जो पेरेंट्स हैं वो अपना बहुत सा टाइम मोबाइल या सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं वर्किंग होने के बाद भी। प्लीज़ अगर आप अपनी उस आदत को बदल सकें तो आप अपना बहुत सा टाइम अपने बच्चों के लिए निकाल पाएंगे। नेक्स्ट, मैं बात करूंगी अपने बच्चों से दोस्ती ज़रूर करें। मीन्स जैसे भी वो ग्रो करने लगते हैं उनको बहुत ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे कि कोई स्कूल में प्रॉब्लम है या मैम ने कुछ कहा। अगर वो आपके साथ उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे तो आपकी उनसे दोस्ती ज़रूर से ज़रूर हो जाएगी। यही है उस दोस्ती की नींव। मीन्स अगर बचपन में आपकी दोस्ती अपने बच्चों से हो जाती है तो वो पूरी उम्र चल सकती है। आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों को सुने, इग्नोर नहीं करें। अपनी चीज़ें जो हैं, मीन्स अपने डिसीजंस आप अपने बच्चों पे नहीं थोपें। और उनकी प्रॉब्लम्स, अगर उसने किसी चीज़ से ना कहा है कि मामा मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है, तो प्लीज़ उससे उसका रीज़न ज़रूर पूछिए कि उसने ऐसा करने से मना क्यों किया है। नेक्स्ट है, हम क्या करते हैं कि शुरू से ही बच्चों पर अपने डिसीजंस थोपने शुरू कर देते हैं। उनको अपना फ़ैसला खुद लेने देना चाहिए, जैसे कि उनको क्या पहनना है हम ये निकाल के रख देते हैं कि बेटा आज आपको यही पहनना है। अगर उसको उस दिन वो चीज़ नहीं पहननी है, कुछ और पहनना है, तो उसको अलाउ कीजिए ताकि उसको ये लगे कि मैं ये छोटे छोटे फ़ैसले ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जो कि आगे उनके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे ऐसे रहते हैं, अपना फ़ैसला खुद ले पाते हैं, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहते हैं फ्यूचर में। शुरू से हम देखते आए हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की तुलना यानी कि कंपैरिजन करते रहते हैं दूसरे बच्चों के साथ। मैं तो ये कहती हूँ कि आपको आपस में जो भाई बहन हैं उनकी भी आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए, दूसरे बच्चों के साथ तो बहुत ही दूर की बात है। इससे बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। हर बच्चा अपने स्टाइल से पढ़ता है, अपने टाइम से पढ़ता है, तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए। जय हिंद।